हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस तखतपुर सब्जी मंडी यार, सब्जी खरीदने के लिए। और आज है गाइस बुधवार, मठसगरा का बाजार, और देखते हैं गाइस क्या क्या सब्जी लेकर आता है छोटू यार और क्या क्या रेट में। अभी तो छोटू चला गया है सब्जी खरीदने के लिए, और जितना भी सब्जी खरीदारी करना रहता है वही खरीदता है, मात्र वो ले लेकर यहाँ पर भिजवाते जाते हैं और मैंने बोरी में भरवाते जाता हूँ, और जो कि करेट में आते हैं तो करेट के सुधा पूरा करेट के साथ में गाड़ी में लोड करवाते जाता हूँ, और जितना भी खरीदारी वही है करते हैं, और मैं बस यहीं पर बैठ के भरवाता रहता हूँ और पैसा भी मैं देता हूँ जो किसान लोगों का यहीं पर लेके आता है उसको। तो गाइस ये देख सकते हैं हमने ले लिया सबसे पहले पत्ता गोभी, ये देखो जो कि उस दिन वाला है 13 रुपये नंग वाला, और आज भी 13 रुपये नंग में लिया है देख सकते हैं, और आज है 47 नंग, एक बोरी इसमें है और इस एक बोरी इसमें है। तो गाइस देख सकते हैं आज का मंडी का हाल, पूरा गाड़ी गाड़ी खड़ा हुआ है यार उस साइड लेकिन खाली है मंडी ना अभी पूरा देख सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं छोटू लेके आ रहा है आलू 2 बोरी, ये देखो ले लाया छोटू, कितने का आलू? 18 रुपये का बोल रहे हैं यार, देख सकते हैं अभी पूरा बोरा में पैक है। तो गाइस ये देखा हमने खरीद लिया है 23 रुपये किलो में एक बोरी मटर देख सकते हैं, और क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, एकदम मस्त दानेदार है, और देख सकते हैं एक बोरी है पूरा। तो गाइस ये देख सकते हैं इधर इतना सारा हमारा सामान है जो कि अभी गाड़ी में लोड होगा, और इधर है मूली देख सकते हैं, और इधर खड़ा है चंदू भाई। और चंदू भाई सब बढ़िया? क्या क्या ले लिया यार? मैंने लिया एक बोरी मटर, एक बोरी आलू, और साथ में टमाटर, धनिया मिर्ची अदरक। हाँ, और धनिया मिर्ची अदरक को बाइक से लेके जा रहा हूँ घर। हाँ, और आलू टमाटर मटर वो ऑटो पे डाल दिया है भाई। हाँ, ठीक। आप लोग कहो क्या होगा यार, देख सकते हैं तो पूरा गाड़ी लोड हो रहा है और बंधा को भी करेगा यार, ठीक सारा सामान है भाई इस पर एकदम। हाँ, बहुत सारा है। तो चंदू भाई मेरे को भी वीडियो बनाना सिखा दो यार। अरे आपको तो आता है यार, आपको वीडियो में देखा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। अरे यार मेरे को ना सब्सक्राइबर लोग बोलते हैं कि आपको वीडियो बनाने आता है, चंदू भाई से सीखो करके यार। नहीं नहीं नहीं, नहीं आपका वीडियो भी अच्छा रहता है, मतलब धीरे धीरे बनाते जाओगे ना तो वो सुधरते जाता है, मतलब कर करके आइडिया होते जाता है ना, एकदम से नहीं हो पाता है ना, वैसे भी धीरे धीरे से होता है यार, लेकिन सब्सक्राइबर लोग बोलते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो सही है, मतलब ऐसे करते रहिए धीरे धीरे करके ना वो खुद ब खुद अच्छा होते जाता है, है ना। हाँ, मैं तो देखता हूँ आपका वीडियोस, बड़ा अच्छा लगता है हम लोग को, मतलब अपना पन टाइप से लगता है, क्योंकि आप भी सब्जी बेचते हो, मैं भी बेचता हूँ, क्या रेट बिका कैसे सब। हाँ, मार्केट में ऐसा करके मैं भी रोज देखता हूँ आपका वीडियो। हाँ, हाँ, कमेंट भी करता हूँ रोज, बढ़िया है। तो गाइस देख सकते हैं ये वाला मटर और ले लिया है ये वाला जो कि राड मटर है, ये है 26 रुपए किलो खरीदी वाला ये वाला, और ये वाला अलग है, ये है 23 रुपए का, और ये ले रहा है। और पलेश्वर मीनू ले लिया यार सब्जी। हाँ, कितना लिया मटर? मटर कितने का है? 22 का है। और करेला ये वाला पन्नी वाला 50 रुपए किलो खरीदी, 750 का यार, बहुत महंगा खाया। क्वालिटी देखते हैं यार, चलो ठीक है, वैसे 60 बिकेगा यार ये देखो, है ना। तो गाइस अपना सब्जियों खरीदी पूरा हो चुका है, और गाइस गाड़ी में भी लोड हो चुका है, गाइस अब चलते हैं सीधा घर। तो गाइस आज टमाटर भी लिया है, और टमाटर क्या रेट में लिया है वो पता नहीं, और दिखाया भी नहीं हो। तो छोटू ब्रो टमाटर क्या रेट में लिया है? टमाटर लिया है 260 रुपए रेट में, मटर 26 रुपए किलो, और मटर का दो क्वालिटी लिया है, और कितने का रेट दिया टमाटर को? 14 का रेट दिया गाइस टमाटर का, वो भी 260 रुपए का रेट में, रोड इतना ज्यादा खराब है क्या भाई, इतना ज्यादा हिट है कि पूछो मत। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मंडी से घर, और चलते हैं गाइस नहाने के लिए। तो गाइस अभी बज चुका है शाम के 3:30, और आज है गाइस बुधवार, मठसगरा का बाजार, तो फिर चलते हैं गाइस सीधा मठसगरा का बाजार, और लगाते हैं गाइस दुकान, फिर क्या क्या सब्जी लाए उसको दिखाता हूँ यार। तो गाइस दुकान अपना लग के रेडी हो चुका है, और क्या क्या सब्जी लाया है और क्या क्या रेट में बेच रहा है बताता हूँ यार। तो गाइस देख सकते हैं मुनगा से लेके वहाँ तक टमाटर जितना है यार, वहाँ तक टमाटर उतना, और मुनगा बेच रहा है यार 20 रुपये जूरी, और पत्ता गोभी बेच रहा हूँ 20 रुपये नंग, टमाटर बेच रहे 15 रुपये किलो, आलू बेच रहे 25 रुपये किलो, और मटर कितने हैं ब्रो? हैं मटर 40 रुपये, मटर 40 रुपये किलो बेच रहे हैं, ये जो कि है 26 रुपये किलो वाला, और राड मटर है देसी लोकल वाला, और मूली बेच रहे हैं, मूली कितने?
मूली 10 रुपए किलो बेच रहे हैं, और बीच में है गांठ गोभी, उसके बेच रहे हैं 30 रुपए किलो, मटर 40 रुपए किलो, और गोभी है वहां पर 50 रुपए किलो, और टमाटर भी है 15 रुपए किलो। बस इतना आइटम है। और ये रहा मुंगा, यहां पर भी उसको है 20 रुपए जुड़ी बेच रहे हैं। और ये रहा अपना टमाटर का क्वालिटी, देख सकते हैं अभी वहां पर कितना सारा टमाटर रखा हुआ है। और ये देखो क्वालिटी कुछ ऐसा है। और ये है 260 रुपए क्रेट का टमाटर। और ये है कल वाला टमाटर, देखो ये ज़्यादा बढ़िया है ये वाला। और ये कल वाला मटर भी बचा हुआ है, देख सकते हैं इसको अभी नहीं डाले हैं यहाँ पर। और ये रहा गाइस अपना तिवरा भाजी, जो कि कल वाला बचा है, उसको 60 रुपए किलो ही बेच रहे हैं। और इधर रखा हुआ है गोभी भाजी 2 बोरी में, 1.5 बोरी है, आधा इसमें है और 1 बोरी इसमें है। तो गाइस देख सकते हैं बाजार का हाल अभी तो पूरा खाली है, आ रहे ग्राहक लोग, और देख सकते हैं 1-2 ग्राहक ले के जा रहे हैं अभी तो आलू, और बाज़ार पूरा खाली हो चुका है। छोटू बैठा है पूरा खाली, और बाज़ार में बैंगन बहुत कम है, और बैंगन बहुत ज़्यादा महंगा था। और गोभी हमारे पास है वहाँ पास बाबू पास में, बस 15 किलो लेकर आए हैं। और इस साइड गोभी ही नहीं दिख रहा है यार, देख सकते हैं बाज़ार में दूर दूर तक। तो गाइस देख सकते हैं ग्राहक आना स्टार्ट हो चुका है, और पत्ता गोभी 20 रुपये नंग दे रहा हूँ, 20 रुपये नंग पत्ता गोभी कोई सा भी 6 किलो, और मुनगा तो 20 रुपये जुड़ी बेच रहा हूँ। और उधर लग चुका है पूरा ग्राहक, आज शुरू से आलू मस्त चल रहा है गाइस देख सकते हैं यार। उनका 20 रुपए जुड़ी, उनका 20 रुपए जुड़ी, बंदा 20 रुपए ना, 15 रुपए किलो, पत्ता गोभी 20, पत्ता गोभी 20, 20 में लो, 20 में लो, 20 में लो, ऊपर से कम नहीं पड़ा, बंधा 20 रुपए ना। टमाटर है 15 रुपए किलो, 20 के 1.5 कर दीजिए टमाटर, 20 के 1.5 कर दिएगा इस टमाटर को। भाजी 10, भाजी 10, 10 रुपए कूढ़ा किलो वाले नहीं, कूढ़ा कोई भी उठा ले। टमाटर 20 के 1.5 किलो हो गए, 1.5 किलो हो गए, 6 किलो। टमाटर 20 के 1.5 किलो, 20 के 1.5 किलो, दोनों काटना ही। मुनगा 20 रुपए जुड़ी, कोई सभी जुड़ी छांट लो, 20 रुपए बहुत कम बिक रहेगा इसी मुनगा यार। पत्ता कोई 20 रुपए नंग, मुनगा 20 रुपए जुड़ी। और कुछ दोस्त ये दे 80, वो 20 रुपए नंग, कोई सभी छांट के ले लो 20 रुपए, 4 जुड़ी है भाई, 70 रुपए दें, 70 रुपए 4 टो। तो गाइस देख सकते हैं बाजार पूरा खाली हो चुका है, और मेरा मुनगा बच चुका है, और गोभी भाजी 1 बोरी बस बिका है, जो आधा था वो बचा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर पत्ता गोभी 3 नंग बचा हुआ है, टमाटर थोड़ा सा बचा हुआ है, आलू बिक चुका है, मटर बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, और थोड़ा सा बचा है मूली, और वहाँ पर बचा है थोड़ा सा टमाटर, और मिर्ची बचा है थोड़ा सा, तिवरा भाजी बचा है, और ये वाला मटर को अभी डाले नहीं थे, एक गैस के तस करेट में रखा हुआ है, और इधर पूरा करेट ही करेट है, और उधर बचा हुआ है 5 करेट टमाटर। इस बाजार पूरा खाली हो चुका है, तो सामान को उठाते हैं और गाड़ी में करते हैं पैक, फिर चलेंगे सीधा घर। तो भाई सभी सामान को उठा लिया है, और आज का बाजार वैसे तो ठीक रहा, और ठीक भी नहीं रहा, क्योंकि यार मेरा मुनगा बच चुका है, और गोभी भाजी ठीक भी का 1 बोरी को बेच दिया, जो कि कल वाला गोभी भाजी था 100 रुपया बोरी था, 1 बोरी ना 100 रुपये का था, और 1.5 बोरी बचा था यार, तो 1 बोरी बिक पाया, और आधा जो बचा था वो फिर बच गया। और पत्ता गोभी 3 नंग बचा है, आलू बस और आलू बस पूरा क्लियर बिका गाइस, उसके बाद सभी सब्जी बचा हुआ है, और मटर सबसे ज़्यादा बचा हुआ है, और 2 बोरी मटर लाए थे, जिसमें का ना 1 बोरी को संफी के दे दिया, और 1 बोरी को रखे थे 26 रुपये किलो वाले को, जो कि राड मटर था यार लोकल वाला। अब चलते हैं गाइस सीधा घर, छोटू भी आ चुका है देख सकते हैं, और वो आज का बाजार कैसा रहा बता पहले। मीडियम ठीक था यार, मीडियम ठीक था, लेकिन इस समय यार रोज रोज सब्जी बच रहा है, मजा नहीं आता यार, हिसाब भी नहीं बैठता कितने के बिका, कितने के बेचे, कितना का सामान लाया, कल का भी सामान बचा हुआ था उसी में मिल गया, नहीं
एक महीने मिल जाता है गाइस तो कमाई नहीं दिखता है यार। अगर ना एक दिन महीने पूरा बिक जाता सामान, कम से कम कमाई, कम से कम मूल धन निकल आता है ना, उसके बाद पता चलता है कितना कमाई हो जाएगा। ऐसे करके अंदाजी लगा सकते हैं हम लोग। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी हो चुका है सुबह, और गाइस कल की बाजार की बात करें तो यार कल का बाजार वैसे तो ठीक था। हमारा सब्जी आधा हो चुका था, मतलब बिक चुका था, और यार सबसे ज़्यादा मटर बचा था और टमाटर। उसके बाद यार सभी सब्जी थोड़ा थोड़ा ही बचा था, लेकिन इस समय के यार बाजार में अपना प्रॉफिट नहीं बन रहा गाइस, क्योंकि ना एक दिन में सब्जी ही नहीं बिक रहा है यार, तो अपना प्रॉफिट बहुत कम नज़र आ रहा है यार। क्योंकि एक दिन लाते हैं सब्जी, उसको दो दिन बेचना पड़ता है, और थोड़ा थोड़ा ही लाते हैं यार। इस समय का बाजार ही नहीं चलता है, मात्र टमाटर को ही सबसे ज़्यादा लेकर आते हैं, उसके बाद सभी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा ही लेकर आते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। और मटर लाते हैं मात्र एक बोरी, जो कि 60-65 किलो रहता है, उसके बाद सभी सब्जी थोड़ा ही थोड़ा रहता है, तो भी नहीं बिक पा रहा है, तो प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा है अपना। तो गाइस हम लोग कितना का सब्जी खरीद कर लाए थे यार उसको बता रहा हूँ, और जो बचा हुआ था यार घर में सब्जी उसी सब करके बता रहा हूँ यार। जो परसों वाला सब्जी बचा था ना उसको भी उसी में जोड़ दिया, और क्योंकि ऐसे मैंने यार अपना प्रॉफिट ही नज़र नहीं आया तो एक में ही जोड़ दिया। तो गाइस टोटल सब्जियों की बात करते यार 11,000 रुपये की सब्जी था कल हमारे पास, पूरा कल और आज का मिला के मतलब। और सेलिंग की बात करें तो गाइस हम लोग ने 8,000 रुपये का ही सेल किया है, और बाकी ना 3,000 रुपये का सामान अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, उससे ज़्यादा है, लेकिन ना दो दिन करके अपना प्रॉफिट निकल जाएगा ऐसा लग रहा है। जो भी निकलेगा अभी तो पता नहीं यार, सामान बचा रहता है ना, कितने का होगा क्या होगा ऐसा पता नहीं लगता है, ज़्यादा बचा रहता है तो अंदाजा भी लगा सकते हैं। जब कम से कम ना पैसा बन जाता है ना तब पता चलता है यार कितने का बन जाएगा, ऐसा करके अभी तो सब्जी बचा है। और आज है गाइस गुरुवार, लमकीना का बाजार, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यार आज का ब्लॉग भी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को आज के वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आज के वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम गाइस।